नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बंद होगी बुजुर्गों की पेंशन, रिकवरी भी संभव, बदल सकते हैं 70 वर्ष आयु वर्ग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नियम। हिमाचल प्रदेश में 70 आयु वर्ग के अधिक आयु के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना किसी औपचारिकता के प्रदान की जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना के तहत नियमों में बड़ा फेरबदल कर सकती है। सरकार ने हिमाचल की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई नई योजना स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना में इनकम टैक्स अदा करने वाले पति पत्नी में किसी के भी पेंशन धारक होने संग सेल्फ डिक्लेरेशन करना अनिवार्य किया गया है। इस योजना में 65 से 69 वर्षीय महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें उन सभी वंचित महिलाओं को पेंशन मिल सकेगी जो सरकारी जॉब की पेंशन नहीं लेते हों या पति पत्नी में कोई भी इनकम टैक्स अदा ना करता हो। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वहीं अब 70 वर्ष आयु वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भी बड़े परिवर्तन होने की पूरी संभावना है। बसों का संचालन शुरू, होटल खुले, बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ सकेंगे पर्यटक। जयराम कैबिनेट के फैसले के बाद सोमवार सुबह 6 बजे से हिमाचल प्रदेश में बसों का संचालन शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम कुल 4000 में पहले दिन 1000 रूटों पर ही अपनी बसों का दिन रात संचालन करेगा। कोरोना कर्फ्यू की बंदिश परिवहन सेवा पर लागू नहीं होगी। सवारियों की डिमांड के अनुसार रूट्स की संख्या में निगम इजाफा करेगा। हालांकि निजी बस ऑपरेटर्स ने विशेष रूट टैक्स और टोकन टैक्स पूरा माफ न करने के विरोध में बसें न चलाने का फैसला लिया। उधर 3000 से ज्यादा होटल के ताले भी खुल गए। वहीं राज्य में दाखिल होने वाले देश के किसी भी राज्य के पर्यटक को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ नहीं लानी होगी। हालांकि प्रवेश के लिए उन्हें COVID-19 ई पास पोर्टल पर पंजीकरण जरूर कराना होगा। लैपटॉप के लिए अभी और इंतजार, प्रदेश के 19,400 मेधावियों को झटका। सरकार व शिक्षा विभाग का मेधावियों को लैपटॉप देने का दावा जुलाई माह में भी पूरा नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग से इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को विभाग से लैपटॉप खरीद की फाइल अभी तक नहीं पहुंची। ऐसे में अभी कॉरपोरेशन के पास अधिकार ही नहीं है कि वो लैपटॉप मेधावियों को खरीदे। इतने समय से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी शिक्षा विभाग ने फाइल दबाई है। तो ये थी हिमाचल से जुड़ी हुई कुछ खास खबर, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी।